तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हो। तो जब आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो, सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोगों को आर्मी हेडक्वार्टर साइथ वेस्टर्न करन तरफ से आप लोगों को जो आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया है, सो उसी की तरफ से आप लोग कैसे अप्लाई करना होगा एंड आपका कहाँ पर प्लेस पोस्टिंग हो सकता है, सो इसके फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों में इस वीडियो के तरह शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, सो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों को नॉलेज आप लोग गेन होगा एंड आप लोगों को इसी चैनल में आप लोगों को हर रोज आप लोगों को ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब के लिए आप लोगों को हर एक वीडियो आप लोगों को पर डे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। सो आप भी देखिए एंड आपका जो दोस्त वगैरह है सो उनको भी आप लोगों को प्लीज वीडियो शेयर कर दूंगा। सो ऐसे ही जॉब के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है एंड आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। सो ऐसे ही बुक्स वगैरह एंड आप पर आप लोगों को कुछ भी स्टार्टिंग में जरूरत हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस लिंक वगैरह आप लोग मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप लोग बुक्स वगैरह एंड स्टार्टिंग मटेरियल्स आप लोग सस्ती आप लोगों को चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा एंड अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। सर आप लोगों को बाद में अच्छी नहीं लगी तो आप सीधा भी बुक्स वगैरह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग रिटर्न भी कर सकते हैं, पूरा पैसा पेपर आपको मिल जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर पैसा, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो अप्लाई है, आपका जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी मैं आपको दूसरे वीडियो में बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन है। सो आपको पोस्ट के द्वारा स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आप लोग अप्लाई करना पड़ता है आप लोगों, ठीक है। तो चलते जो बार पोस्ट वगैरह पर दिया है, पहला आपका जो जारी हो गया आपका जो स्टेनोग्राफर गेट टू की तरफ से, सो ये पर आपको पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा जो आपको 25,000 रुपये से लेकर आपको 81,000 सैलरी आपको पर मंथ आपको मिल जाएगा। एंड ये पर आपको टोटल में आपको 5 पोस्टिंग मिल जाएगा, 5 आपका यूआर का अंतर आपका आता है। तो क्वालिफिकेशन देख ही सकती है, इस पर आपको 12 क्लास पास आउट होना पड़ता है एंड आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स फॉर स्टेनोग्राफर एंड डिडक्शन रिजेक्ट वो 10 मिनट्स फॉर 30 आवर्स पास मिनट को करना होगा। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन भी दे दिया सो ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा आपका जो आपका जो कुक वगैरह, इसमें आप लोगों को पे स्केल 2 सैलरी मिल जाएगा, इसमें वो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाता है। इसमें भी आप लोगों को एक ही सीट मिल जाए, एक ही आपका यूआर की तरफ से आता है एंड भी इसमें भी आप लोगों को सेम क्वालिफिकेशन आपको दे दिया है। दूसरा आपका जो MTS है, जितने भी MTS का आपका जो पोस्ट वगैरह है, MTS हेड मैसेंजर आता है, इसमें भी आप लोगों को MTS मैसेंजर, MTS सफाई वाला, MTS चौकीदार, MTS वॉचरमैन, MTS ड्राफ्टी गार्डन है, जितने भी है, तो ये पर उनको पे स्केल 1 सैलरी मिलता है, मतलब उनको 18,000 से 56,000 सैलरी उनको मिलता है। सो लगभग आप लोगों को 25,000 से 30,000 के अंतर अंदर सैलरी पर आप लोगों को मिल जाता है। पर इसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन में तरफ से जो आप मैसेंजर है, इसमें आप लोगों को हेड मैसेंजर में आप लोगों को मैट्रिक साथ आप लोगों को शुद्ध नॉलेज रखना पड़ता है एंड आप लोगों को और भी कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह आपको नॉलेज वगैरह रखना पड़ता है। सो इसेंशियल तो बस सिर्फ आपका जो मैसेंजर है आपको वही देना पड़ता है। और कुकिंग में भी आप लोग सिर्फ आप लोगों को दे दिया है, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको इंडियन कुकिंग में आप लोगों को नॉलेज वगैरह रखना पड़ता है। इन सभी में आप लोगों को एज क्राइटेरिया दे दिया है 18 साल से 25 साल से बीच में आप लोगों को एज क्राइटेरिया पर आपको होना चाहिए। सो टोटल आपको पोस्ट वगैरह मिलता है आपको 21 को पोस्ट वगैरह आपको एक बार हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, अब कहाँ पर भेजना होगा ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ। सो ये पर आपको जयपुर राजस्थान में आपको भेजना पड़ता है। और दूसरी बात बोलूँगा तो जयपुर में जाके आपका एग्जाम वगैरह जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो सभी आपका जयपुर में आपका हो जाएगा। और ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में पहले बता देना चाहता हूँ, कोई भी ना बोलने से आपको नहीं बताया है बाद में। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको जयपुर में जाकर एग्जाम वगैरह को देना पड़ता है। इसी के लिए कुछ पैसा वगैरह आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद के पैसे से जाके एग्जाम देना पड़ता है और आना भी पड़ता है। जो भी आपको होगा तो उसमें आपको खुद के पैसे आपको करवाना पड़ता है एट अ टाइम, ठीक है। चला जाए दूसरा इंस्टेंट की तरफ से, सो यह पर भी उनको भी छूट वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब यूआर को मालूम है आपको कुछ छूट वगैरह नहीं मिलता है। और ओबीसी को भी मिलता है, पर ओबीसी को भी 3 साल का छूट क्राइटेरिया मिलता है। जो एससी एसटी को 5 साल का एज क्राइटेरिया छूट आपको रिडक्शन मिल जाएगा। दूसरा जो फीस का हैंड का अमाउंट का मिल जाएगा, जो एक्स सर्विसमैन है आर्मी नेवी एयरफोर्स से, सो उनको भी आपको एज रिडक्शन उनको मिल जाएगा, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन होता है सो इसी एरिया को सबको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन तक कैसे आपको अप्लाई करना पड़ता है। सो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप लोगों को एक फॉर्मेट में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं बोल भी दूंगा, ठीक है।
और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को आपका जो एम्प्लॉयमेंट खाम होता है, जो हरा वाला खाम होता है ऑरेंज वगैरह ऐसे खाम होता है, आपको पोस्ट ऑफिस से आपको लेना पड़ता है। उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, मतलब एमटीसी हो गया, चौकीदार जो भी पोस्ट है उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड आपका जो कास्ट वगैरह है, मतलब एससी एसटी ओबीसी हो गया, एक्सहिबिशन हो गया, वो सब कुछ आप लोगों को लेफ्ट साइड में वो लिखना पड़ता है। और बीच में जो एड्रेस में आप लोग पोस्ट करेंगे, मतलब इस जो एड्रेस है आपका जो कमांडिंग ऑफिसर 24 आपको जो राजस्थान है ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और बाई तरफ आपका खुद का एड्रेस है, मोबाइल नंबर आपको देना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिए, 28 डेज के अंदर अंदर आपको भेजना पड़ता है। तो डेट वगैरह मैं आपको लूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मैं दे दूँ कब सबको स्टार्ट हो रहा है, कब सबको लास्ट डेट अप्लाई करने का। एक कोई चीज़ नहीं बताता है वीडियो के तक, कोई कमेंट करते उसके बाद आपका बोलता है मैं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, आप लोगों में वीडियो में आप लोगों में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। तो इसके लिए आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना पड़ता है, मतलब आप लोगों को जो सर्टिफिकेट वगैरह डिप्लोमा कोर्स का होता है, आपका जो मैट्रिकुलेशन कोर्स होता है आप लोगों को, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक्स और आर्मी जो भी होता है उनके लिए ECS सर्टिफिकेट रखा, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक सर्विसमैन होता है, आपको EWS होता है, सर्टिफिकेट जो फिजिकल है उनको देना पड़ता है ऐसे, और सब कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को आप लोग सेल्फ एड्रेस करके भी आप लोगों को भेजना होगा। और भी आप लोग फोटो भी आपको देना पड़ता है, जो कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होता है तो भी आपको देना पड़ता है, एंड उसके उनका भी आप लोगों को वो आपका जो सेल्फ अटैचमेंट करना पड़ता है फोटो में। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए इसके बाद, एंड आप लोगों को ये भी आपको ध्यान देना पड़ता है टू सेल्फ आपका जो एम्प्लॉयमेंट खाम होता है, मैंने बोला था आपको पोस्टल खाम, उसके ऊपर आपको 50 रुपये का पोस्टल स्टैम्प लगाना पड़ता है, 50 रुपीज का आप लोगों को सीधा जाना पोस्ट ऑफिस बोलना मुझे इसको आप लोगों को सेंड करना, और इसमें आप लोग 50 रुपये का आप लोगों को पोस्टल स्टैम्प आपको चिपकाना होता है, वही स्टैम्प पर आप लोग घर में आ जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तभी, ठीक है। आप लोगों को दोनों दो सेल्फ एडमिट खाम देना पड़ता है, एक बड़े वाला होता है एक छोटा वाला, तो बड़े वाले के अंदर ही आप लोगों को जो छोटा वाला खाम होता है उसमें स्टैम्प लगा के उसमें ही आप लोगों को दे देना होगा, और उसके अंदर ही आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए एक बात, मैं जरूर बोलो क्योंकि ज़्यादातर इस समय फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और कोई भी फॉर्म आपका इनकलम प्लीट नहीं छोड़ना, पूरा फिल करना बाय खुद हैंड नहीं, आपको फिल करना आपको होता है था एक आपका फॉर्मेट रखा, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद आप लोगों को प्रिंट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसको कुछ आप लोग देख लीजिए, जो भी फॉर्मेट है वो सब को चेक कर लेना आप लोग, और इस पर आप लोग जो फोटोग्राफ रहता है फोटोग्राफ को देना होगा आप लोगों को, इस फोटोग्राफ के ऊपर आप लोग खुद का सिग्नेचर आपको करवाना पड़ता है। तो इसे अच्छे से आपको फिल करके आप लोगों को जो भी आपको है इस अच्छे से आपको ये भी आपको फिल करना होता है आप लोगों को जो भी है, तो यही कॉपी आपका जो घर में आएगा आपका एडमिट के टाइम, इसमें आपको जो इसमें आप लोगों को फोटोग्राफ देना पड़ता है, और इसमें आप लोग सिग्नेचर करके बाद आपको जो लेफ्ट था इंप्रेशन में आपको दे देना पड़ता है, सब कुछ आप लोग को खुद ही को करना पड़ता है, कोई भी एफर्ट आपको ऑनलाइन में आपको नहीं सबमिट करना पड़ता है, खुद आपको हैंडराइटिंग करके आपको देना पड़ता है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इस लिंक पर जाकर PDF भी खोल सकते हैं, एंड आपको कुछ भी जरूरत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे। तो चलिए गुड बाय, चलिए धन्यवाद।